प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर पक्का मकान सपना नहीं हुआ साकार। इटखोरी प्रखंड अंतर्गत शहर जामग्राम निवासी चिंतामन भुइया पिता बंधु भुइया वर्षों से मिट्टी का कच्चा मकान में रह रहे थे, जब प्रधानमंत्री हर घर पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना हर घर लाभ देने को लेकर एक मुहिम चलाई थी तो उसे यह आशा हुई कि हमें भी पक्का मकान मिलेगा, लेकिन चंद बिचौले और नेता के चक्कर में फंस कर रह गए। पर उसे पक्का मकान नहीं मिला और सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है और आज नतीजा यह हुआ है कि वर्षा के कारण मकान ध्वस्त हो गया है। आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि चिंतामन भुइया घर से बेघर हो गए, पूरा परिवार अपने पड़ोसियों के घर में शरण लिए हुए हैं। इनके परिवार में पत्नी समेत कुल 8 बच्चे हैं। आजकल बरसात के मौसम में सभी जगह सर्पदंश का भय बना रहता है, इसलिए यह पूरा परिवार दूसरे के घर में शरण लिए हुए है। भाई के मकान में रहने को विवश है। पंचायत चुनाव इसलिए होता है कि सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, पर इसे गरीबों को लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। भुइया समाज का यह कसूर है कि शिक्षा से दूर है। करीब 8 बजे सुबह। हाँ अच्छा, तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? वो भाई के घर रह रहे हैं सर। किधर है भाई का घर? वो बगले में है, देख के चल के देख लीजिए। वो देख लेंगे। और मुखिया को सूचना दिए इसके बारे में? सर मुखिया क्या बोले? बोले कि दुर्गा पूजा के बाद होगा, अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो पामर नहीं, अभी बाद में मिलिएगा तो हो जाएगा। मतलब यही बोले हैं कि दुर्गा पूजा के बाद? हाँ, दुर्गा पूजा आश्वासन दिए हाँ कि हो जाएगा, ठीक है मिलिएगा। हाँ, तो आपका सूची में नाम है? हाँ सर, नाम है ना।